वेलकम टू देसी ट्रैवल लवर चैनल। इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिए, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। इफ यू लाइक द वीडियो कंटेंट प्लीज डू कमेंट लाइक एंड शेयर। नमस्ते दोस्तों। गाइस, अर्ली मॉर्निंग शिलोंग है। ये मैं टैक्सी ले रहा हूँ, मेरा टैक्सी जो है टैक्सी स्टैंड में है, अब उधर जा रहा हूँ। टैक्सी भाई साहब झाड़ू मार रहा है। ये गैंगटॉक में इस तरह से देखने को मिलेगा, सुबह का नज़ारा है। ये अभी दुकानें बंद है, 7:30 हुआ लेकिन फिर भी दुकान बंद है। अभी मेन पॉइंट पुलिस बाजार, इधर भी एक होटल है, होटल मैग्नम। रेट पूछा नहीं, पता नहीं। इस बैठ गया हूँ शिलोंग टैक्सी में फर्स्ट टाइम। हमारा बादू है, लोकल बंदा है। खासी है ना आप? हाँ, खुबलाई। खुबलाई मतलब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और वेलकम, वेलकम मतलब वेलकम को क्या बोलते हैं खासी में? खुबलाई शिबुन। तो खुबले सिबुन टू लेटलुम एंड शिलोंग। भैया मस्त गाना बजाया है। और शिलोंग वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, वेरी नाइस। कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट है, आप आ जाइए या फिर आप गुवाहाटी आ जाइए। गुवाहाटी इज वेल कनेक्टेड टू एंटायर इंडिया फ्रॉम गुवाहाटी। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सीनिक रोड, जस्ट लाइक मुंबई टू लोनावाला, चंडीगढ़ टू शिमला, लाइक इज वेरी ब्यूटीफुल रोड यू कैन सी। Super awesome! This is the parking lot. गाड़ी आज उधर पार्क किया है। मैं सेकेंड टाइम के लिए आया हूँ अभी, उस दिन रात हुआ था तो आज मॉर्निंग व्यू। लेट्स सी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 500 मीटर्स नीड टू बी ट्रैक। इट्स नॉट ट्रैकिंग, इट्स कॉल्ड हाइक। आई हैव टू, आई एम जस्ट वॉकिंग। सो इट्स 5 to 10 मिनट्स वॉक फ्रॉम हियर टू रीच द मेन लोकेशन। या मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, मैगी एंड कॉफ़ी शॉप। देखते मैं तो ब्यूटीफुल है। सिस्टर ब्रेकफास्ट होगा? हाँ? ब्रेकफास्ट होगा? ब्रेकफास्ट कौन सा चाहिए? क्या चाहिए, क्या है ये आपके पास? पूरी है क्या? पूरी रोटी सब्जी। हाँ, रोटी सब्जी, पूरी सब्जी है। पूरी रोटी और सब्जी, रोटी और सब्जी। पराठा नहीं है? पराठा नहीं। तो एक काम कीजिए, आप मैगी बना दीजिए। मैगी कितना? मैगी एक प्लेट, मतलब ए वन पैकेट, ठीक है। उसके बाद आमलेट होगा। हाँ, आमलेट, दो अंडे का आमलेट दीजिए और एक मैगी दीजिए और एक चाय, ठीक है। ओके, पिछले ब्लॉग में आप लोग देख सकते हो इस वक्त मैं बहुत भागदौड़ कर रहा था, लेकिन आज मेरे पास बहुत टाइम है क्योंकि मैं सुबह सुबह आया, पूरा दिन भर मेरे पास टाइम है। कम बैक अगेन टू लेटलुम कैनियन, ग्रेट कैनियन इंस्टेड। मैंने सुपर व्यू लगा दिया 360 डिग्री में, देख लीजिए आसमान भी बहुत साफ लग रहा है, वेरी नाइस। सनसेट बोर्ड आइडल है एंड यहाँ में लॉन्ग स्ट्रेच ट्रक है, यानी
आप मेरे पीछे देख सकते हो, वहाँ दूर तक जा सकते हो आप लोग। बाकी मैं सिनेमैटिक शॉट्स ले लेता हूँ, तो देख लीजिए आप लोग। वाओ, नीचे तक भी जाने का रास्ता है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, मैं अकेला हूँ, नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। आज थोड़ा सा एंजॉय करूँगा, मैं बहुत सारा सामग्री लेके आया, बोले तो कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, ऑरेंज, सब कुछ है मेरे पास आज। सो इवन उधर भी डिफेंस पर्सनल है, उधर कैंपिंग कर रहा है वो लोग। मुझे लगा कुछ म्यूज़िक कंसर्ट होगा, लेकिन वो म्यूज़िक नहीं, वो लोग बोला डिफेंस का है, मतलब वो लोग पिकनिक मनाएंगे अभी। और इधर में मैक्सिमम क्रिश्चियंस है, 25th क्रिसमस एक्समस आ रहा है, सो दे विल बी सेलिब्रेटिंग। डेकोरेशन बारिश के सीज़न में बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब वीडियोज़ में देखा है, मेरा मेन मकसद शिलोंग में आने का यही था। लेट ल्यूम उस दिन लेट हो गया, वाटरफॉल्स जो मेरा आइटिनरी भी नहीं था, फिर भी वो ड्राइवर भाई साहब मेरे को बोला लेके गया, अच्छा किया, वो कुछ ख़राब नहीं है, तो मैंने वाटरफॉल्स भी बहुत एंजॉय किया। बाकी देखिए, एक तो आसमान है इधर में, जैसे आज मैं लूँगा कुछ ऐसा फोटोग्राफ्स लेने का मेरा इरादा है, जैसे वॉलपेपर में दिखता है ना, डेस्कटॉप में रखता है, बिल्कुल ऐसा आज मैं कुछ फोटोग्राफ्स ले लूँगा, और थोड़ा टाइमलेस भी लूँगा मैं, देखता हूँ फिलहाल। और यहाँ भी बेसिकली पिकनिक स्पॉट है, आके आप आराम से रिलैक्स करो। मेरा तो कल दो दिन से लगातार मैं ट्रैक कर रहा था, तो पाँव भी दर्द है, आज इतना दर्द नहीं है, तो इधर मैं आराम से मतलब गाना सुन सुन के लेट के आराम से टाइम पास करूँगा, मस्त है। इधर देख लीजिए मेरे पीछे एक बार, आप फिर से देख लीजिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे भी यादें जुड़ा रहेगा हमेशा, क्योंकि लाइफ है, हम तो हमेशा ऐसा नहीं रहेंगे, पहले बचपन था, फिर धीरे ऐसा हो गया, फिर बुढ़े हो जाएंगे, फिर दुनिया से चले जाएंगे, राइट। सो इसलिए एवरी मोमेंट आई ट्राई टू एंजॉय। गाना भी है किशोर कुमार का कि आने वाला फल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी को बिता दो। लेटलू मैं पहले भी आ चुका हूँ, जस्ट दो दिन पहले वो शाम हो गया था, वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। लेटलूम बोल के है, ट्वी लाइट उसमें देखने को मिला था, अंधेरा हो चुका था उस वक्त, सनसेट तक देखने को नहीं मिला मुझे, उसका भी अलग नज़ारा है। और आज अभी आप जो देख रहे हो इसका भी अलग नज़ारा है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। जितना भी मैं बोलूँ बयान करूँ उसका कम पड़ जाएगा, वॉलपेपर की तरह दिखता है। यहाँ में बादल देखिए, आसमान ऐसा लगता है जी आसमान एकदम सामने है, ठीक हमारे ऊपर ही है। एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ ओपन प्लेग्राउंड जैसा दिखता है, और ये अभी ऑरेंज कलर की तरह दिख रहा है, बाकी हरियाली हो जाएगा जब बारिश का मौसम आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, हाईली रिकमेंडेड। Thank you.
तो गाइस मैंने लैपटॉप में कुछ काम किया, मतलब जितना भी मेमोरी फुल हो गया था वो सब पार किया, लेकिन हमेशा जल्दी में हर बारी में गड़बड़ी हो ही जाता है। मैं दूसरा बैटरी लाया नहीं गोप्रो का, एज वेल एज और डाटा केबल भी एक लाना भूल गया, और जो अभी डाटा केबल है वो गोप्रो से पार हो नहीं रहा है फिलहाल। अभी देखिए कुछ पार्टी इधर आए हैं पिकनिक के लिए, अच्छा है। अभी बाकी टूरिस्ट एकदम खाली है, कोई नहीं है टूरिस्ट, सब वाटरफॉल्स ये वो देख रहे होंगे अभी, डॉग ही किधर किधर गए होंगे। शाम को आता है सनसेट या सुबह आता है सनराइज के लिए। मैंने एकदम सही किया इस वक्त आया है, इस वक्त बहुत कम है, बस कुछ लोकल लड़का लड़कियाँ मतलब पार्टी करने के लिए आए हुए हैं। और दोस्तों ये पूरा मेघालय का सीरीज आप लोग देख लेने का, एक भी वीडियो मिस नहीं करने का। तो अब चलता हूँ, मैंने आप देख रहे हो आसमान को, नीला आसमान आ गए, अच्छा लग रहा है। इधर किनारे से चल रहा हूँ, नहीं चल पाऊंगा दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है शिलांग, इनफैक्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट ही खूबसूरत है, अनटच्ड है अभी भी, क्या मस्त नज़ारा है। ये बाउंड्री दे दिया पूरा दूर दूर तक, बहुत अच्छा किया, अदरवाइज लोग तो यहाँ से कूद जाएंगे। मैंने सुना है पहले दारू पी के लोग मजा लेते थे इधर में, तो अभी बहुत मस्त है, कोई टेंशन नहीं है, इट्स ब्यूटीफुल। ये है ग्रैंड कैनियन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में मैं डालता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस स्टडीज। तो दोस्तों यहाँ में बहुत ही मज़ा है, रेनी सीजन में बहुत अच्छा लगेगा, जब पूरा हरियाली हो जाएगा, ग्रीन ही ग्रीन हो जाएगा। अभी भी अच्छा है, वेरी पीसफुल, परफेक्ट प्लेस फॉर फैमिली हॉलीडेइंग एंड रिलैक्सिंग। इसमें भी थक गया, चढ़ाई है ऑलरेडी, 3 days नॉन स्टॉप ट्रैकिंग to view the waterfalls, और तरह आगे चढ़ना है, मे बी मोर ब्यूटिफुल व्यूज। आई एम गोइंग बैक, जाने का मन नहीं कर रहा है, लेट हो रहा हूँ, गाना लगाया हूँ सूटी म्यूजिक, आंखों से आंसू आने लग रहा है मेरे को, इतना ब्यूटीफुल एंड रिलैक्सिंग। यानी जो भी गाना आपको पसंद है वो अगर बजाएंगे, और ये नज़ारा क्या करूँ, मेरे तो आंखों से आंसू आने लग रहा है। ऐसा ही हुआ था मेरे को सोनमार्ग में स्टेज ड्रॉप में वापस आ रहा था, दिल मेरा पिघल गया था। बादू है हमारा, उसके पास आप लोग आने का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, ही इज़ वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छा है, मुझे लेटलूम लेके आया है, उसका टैक्सी भी बहुत क्यूट है, और उसकी गाना जो है बहुत मस्त मस्त इंग्लिश गाना बजाता है, उसका खासी गाना भी है और इंग्लिश गाना भी, और इंग्लिश गाना मैंने कभी सुना नहीं इससे पहले, इसके पास पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन बहुत मस्त है और बहुत जेंटल है, काम है, इज वेरी नाइस गाय, बहुत गुड है। ठीक है दोस्तों, आने का खूब लाई है ना, थैंक यू, खूब लाई मतलब थैंक यू।